हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग में। यदि आप आईटीआई डिप्लोमा करें तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए वेस्ट वाटर एंड इरीगेशन इंजीनियरिंग, जो कि डिप्लोमा फिफ्थ सेमेस्टर में है आपका। जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर में, और ये आपकी यूपी एंड हरियाणा दोनों में सेम टॉपिक्स है आपके। इसमें वेस्ट वाटर एंड इरीगेशन इंजीनियरिंग ड्रॉइंग के नाम से आती है यूपी में, और इरीगेशन इंजीनियरिंग ड्रॉइंग के नाम से आती है हरियाणा में, जो कि फिफ्थ सेमेस्टर में है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन आया सेमी सर्कुलर ड्रेन का। ठीक है, आपके पास चार ड्रेन है, चार की चार ड्रेन हम कराएंगे। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ड्रॉ द एक्स सेक्शन ऑफ ए सेमी सर्कुलर ड्रेन। सिर्फ आपको इतना क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको ये जो मैंने डाटा एज्यूम किया है ये कुछ नहीं दिया जाएगा। आपको इस डेटे को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये डेटा आपके याद रहना चाहिए। ठीक है, ये आपको एग्जाम में भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, ये मैंने आपको याद रखने के लिए यहाँ पर लिख दिया है, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें बनानी होती है। सिर्फ आपको दिया जाएगा ड्रॉ द एक्स सेक्शन ऑफ ए सेमी सर्कुलर ड्रेन। ठीक है, अब देखो हमने विड्थ ऑफ फाउंडेशन, जो सेमी सर्कुलर ड्रेन के लिए हम विड्थ फाउंडेशन बनाएंगे उसकी विड्थ है 450 mm। ठीक है, थिकनेस ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन की थिकनेस कितनी ली है हमने सेमी सर्कुलर ड्रेन के लिए, 75 mm। ठीक है, डाया ऑफ ए ड्रेन, जो सेमी सर्कुलर ड्रेन है उसका डाया है 150 mm। ठीक है, 150 mm। और टोटल डेप्थ ऑफ सेमी सर्कुलर ड्रेन, जो बेस से लेकर टॉप तक उसकी जो डेप्थ होगी वो कितनी ले रहे हैं हम, 200 mm। और जो डेटा मैंने नहीं लिया है वो सेम वही के वहीं पर मैं आपको बता दूंगा। चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेस बनाते हैं। बेस किसके लिए बनाएंगे, फाउंडेशन का। तो विड्थ कितनी दी है, 450। तो हमने क्या किया, स्केल ली, माना स्केल, हमने स्केल एज्यूम की। स्केल मैं ले रहा हूँ 1:5। आप 1:10 भी ले सकते हो, 1:10 भी ले सकते हो, 1:15 भी ले सकते हो, डिपेंड अकॉर्डिंग टू आपके रहेगा सब। ठीक है, तो हमने ली विड्थ ऑफ फाउंडेशन, विड्थ ऑफ फाउंडेशन है मेरी 450 mm। इसको मैंने 5 से डिवाइड किया, 9×5=45, तो 90 mm आ गया, या मैं इसको बोल सकता हूँ 9 cm। तो मुझे कितना चलना है, मुझे चलना है 9 cm। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक चला 9 cm। क्लियर है, ये मेरी कितना है 9 cm। अब 9 cm चलने के बाद अब मैं टोटल चलता हूँ, टोटल डेप्थ ऑफ सेमी सर्कुलर ड्रेन कितनी डेप्थ है, 200 mm, 200 mm, 200 mm को मैंने डिवाइड किया 5 से, 5×20, 40 mm, 40 mm को मैं लिख सकता हूँ 4 cm। क्लियर है, 40 mm को मैं 4 cm, तो मैं कितना चला ऊपर की ओर, 4 cm। तो 4 cm में इस साइड चलाऊँ और 4 cm में चलूँगा इस साइड। ठीक है, 4 cm इस साइड, 4 cm इस साइड, तो 4 cm में इधर चला टोटल और 4 cm में चला इधर टोटल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको वन ब्रिक इस साइड, वन ब्रिक इस साइड। अब आप जानते हो ब्रिक का साइज 19×9×9 होता है, ब्रिक का साइज, वन ब्रिक का जो साइज होता है 19×9×9 cm होता है। क्लियर है, आपको वन ब्रिक का साइज 19×9 cm, मोर्टार के साथ कितना आ जाएगा, 20×10×10 cm। तो आपने 10 cm लिया, 10 को आपने स्केल से डिवाइड किया तो आपके पास कितना आ गया, 2 cm। तो आपको क्या करना है, इस साइड भी 2 cm ब्रिक दिखानी है, तो 2 cm इस साइड चले आप, इस साइड आप 2 cm चले इधर से, और इस साइड से भी 2 cm इधर चले वन ब्रिक, वन ब्रिक का जो साइज है हमने एक ब्रिक इधर रखी, एक ब्रिक इधर रखी। ठीक है, अब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं 150 mm। मैं कितना चला डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 150 mm डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अब मैं 150 mm चल रहा हूँ। ठीक है, इसको ध्यान रखना, मैं इसको रब कर देता हूँ, थोड़ा आपको याद रहे, मैंने इसको रब किया, मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला 150 mm, 150 mm, 150 mm को मैंने 5 से डिवाइड किया, 5×15, तो 30 mm आ गया। 30 mm इज इक्वल टू क्या होता है, 3 cm। तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना चला, 3 cm। तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला हूँ यहाँ पर 3 cm इस साइड,
3 सेंटीमीटर इस साइड, और इसको यहां पर मैंने ड्रॉ कर लिया, इसको मैंने यहां पर ड्रॉ किया, ठीक है ऐसे। अब आपको करना क्या है, अब आपको जो आपकी ये विड्थ थी, ये विड्थ थी ठीक है, विड्थ ऑफ फाउंडेशन 45 mm, तो आपने इसका क्या किया, सेंटर पॉइंट पकड़ा आपने, क्या किया इसका सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट पकड़ के ये पॉइंट मार्क किया और इसको ऊपर लेकर गए, इसको ऊपर लेकर गए, ठीक है। तो कहीं यहां पर अब देखिए ऊपर से मैं कोई सेंटर मार्क कर देता हूँ, ये सेंटर मार्क किया, क्यों ये सेंटर में यहां पर मार्क क्यों कर रहा हूं, इसकी मुझे कोई रिक्वायर नहीं थी, ये सेंटर मार्क कर रहा था मैं इसलिए क्योंकि मुझे डाया ऑफ ड्रेन दिया है। तो मेरा रेडियस कितना होगा, मेरा आर कितना होगा, आर मेरा होगा 75 mm, कितना होगा 75 mm, डाया कितना है मेरा 150 mm, तो रेडियस मेरा कितना होगा 75 mm, तो रेडियस मेरा 75 mm और मैं डिवाइड कर दूंगा इसको 5 से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 15 mm, 15 mm यानी कि 1.5 सेंटीमीटर हो सकता है, 15 mm यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, कंपास लेना है, ठीक है आपने कंपास लिया, और इसमें 1.5 सेंटीमीटर का, 1.5 सेंटीमीटर का रेडियस ले लेंगे, 1.5 सेंटीमीटर का आपने रेडियस लिया, और रेडियस लेने के बाद इस सेंटर पॉइंट पर रखेंगे, रेडियस लेने के बाद इस सेंटर पॉइंट पर रखेंगे और हाफ सर्कल ड्रॉ कर देंगे, हाफ सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, हाफ सर्कल ड्रॉ किया और इसको इस साइड से इसके साथ मिलाया, इधर से इसके साथ, इधर से मिलाया और इधर से भी इसको इसके साथ मिला दिया, जो एक्स्ट्रा है उसको मैंने क्या किया, रफ किया, ठीक उसको रब किया, ठीक है। तो ये सेमी सर्कुलर, ये मेरा ड्रेन हो गया। अब ये मेरा कंक्रीट ब्लॉक है, ड्रेन ब्लॉक जिसको मैं क्या बोलता हूँ, ड्रेन ब्लॉक, इसमें कंक्रीटिंग कर देते हैं हम, इसमें हम क्या कर देते हैं, कंक्रीटिंग कर देते हैं, ये कंक्रीटिंग मैंने कर दी, ठीक है। अब हम जानते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है थिकनेस ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन की थिकनेस कितनी है 75, तो 75 को भी मैंने जब 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 15 mm, 15 mm यानी कि कितना 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 सेंटीमीटर मैं इधर चला ठीक ऊपर की ओर, 1.5 सेंटीमीटर इस साइड से इधर, और 1.5 सेंटीमीटर इस साइड, और ये नीचे क्या बन गया हमारा, कंक्रीट फाउंडेशन, ये नीचे क्या बना, कंक्रीट फाउंडेशन बना, कंक्रीट फाउंडेशन, ये मेरा पास बन गया है कंक्रीट फाउंडेशन। अब नीचे बन गया कंक्रीट फाउंडेशन, और ये जो बचा है ये ब्रिक का पोर्शन है। अब देखो मैं यहाँ पर डायमेंशन शो कर देता हूँ, ये मेरी डायमेंशन है, ये मेरी डायमेंशन है 450 एक्चुअल आपको यहाँ पर लिखनी है 450, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक थिक इसका कितना है 75 mm, 75 mm ठीक है, और ये ऊपर कितनी बची 125 mm, 125 और 75 200 mm हो जाएगा, ये बचा आपके पास 125 mm, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास क्या है, ये है कंक्रीट फाउंडेशन, वन रेशियो 4:8 में मैंने इसको बनाया है, ठीक है। अब देखो ये मेरा क्या है, ये है मेरा यहां पर ड्रेन ब्लॉक, ड्रेन ब्लॉक जिसको मैंने 1:2:4 में बनाया है, ठीक है ये मेरा ड्रेन ब्लॉक है, और यहां पर ये यहां से लेके यहां तक कितना है 10 सेंटीमीटर यानी कि 100 mm, 100 mm इस साइड और 100 mm इस साइड, ठीक है, और ये कितना बचेगा, ये 50 mm इस साइड
50 mm इस साइड, और ये बीच में ये आ जाएगा आपका डाया। डाया कितना है? ये है आपका 100 mm, और 100 mm इस साइड है, और डाया कितना था आपका? 150 mm। 150 mm का डाया है आपका, और ये यहां पर कितना पोर्शन है? ये है 50 mm, और 50 mm इस साइड, 50 mm इस साइड, और 50 mm इस साइड, 50 mm और 50 mm। ठीक है, ये आपका ड्रेन ब्लॉक हो गया। और ये आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, यहां पर सेमी सर्कुलर जो ड्रेन है इसके कॉर्नर पर जो ये पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हम इनवर्ट लेवल। इनवर्ट लेवल, ये हमारा क्या होता है? इनवर्ट लेवल बोलते हैं इसको। अब जो ये है इसमें आप 45 डिग्री पर स्केल को लूज कीजिए, 45 डिग्री का एंगल लीजिए, 45 डिग्री का एंगल लेकर ये क्या है आपका? ब्रिक पोर्शन है, वन ब्रिक। तो यहां पर ब्रिक सिंबल शो कर सकते हैं आप। आपने क्या किया? ब्रिक सिंबल यहां पर शो किए, इस प्रकार ब्रिक सिंबल शो किए। ये सब आपको याद रखना है, इसमें आपको कोई भी डेटा आपको दिया नहीं जाएगा, यहाँ पर सिर्फ आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा, सब डेटा आपको याद रखना है, कंप्लीट सब डेटा आपको क्या करना है? याद रखना है, सब कंप्लीट डेटा आपको क्या रखना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। तो ये है आपकी वन ब्रिक, ये क्या है आपकी? ये है आपकी वन ब्रिक, वन ब्रिक वॉल। ठीक है, ये वन ब्रिक वॉल है, वन ब्रिक वॉल, ये ड्रेन ब्लॉक हो गया आपका। ठीक है, कैसा ड्रेन ब्लॉक है? सेमी सर्कुलर ड्रेन ब्लॉक। ठीक है, तो ये ऐसा आपका क्या कंप्लीट हो जाता है? सेमी सर्कुलर ड्रेन, इस प्रकार आपकी सेमी सर्कुलर ड्रेन यहां पर। और क्या पूछा गया है? एक्स सेक्शन। तो ये क्या है इसका? एक्स सेक्शन। अगर प्लान पूछते तो हम प्लान भी बताते, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम आपको प्लान भी बताएंगे। तो ऐसा आपका क्या कंप्लीट हो जाता है? सेमी सर्कुलर ड्रेन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको सेमी सर्कुलर ड्रेन बनाना है, और कंप्लीट डेटा आपको क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, लेक्चर को बार बार देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से हमने इसको ड्रॉ किया है और क्या क्या डेटा हमने मानना है। ठीक है, ये सब आपको मानना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ड्रॉ द सेक्शन ऑफ ए सेमी सर्कुलर ड्रेन। ठीक है, चलिए ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।